फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। तो देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो भी हमने रेडी कर रखा है। यहाँ ये बारीक कटा हुआ प्याज है, ये लहसुन है और कटा हुआ अदरक है बारीक। ये थोड़ा हमने मेथी और धनिया को काट रखा है। मिर्ची है, हरी मिर्च। ये मलाई है, दूध से निकाल रखा है हमने। हल्दी, मिर्च, जीरा, तेल, नमक, तेज़पत्ता, और ये आलू है, गाजर है और मूली है। इसको हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम तेल डालेंगे। ये कम से कम 20-25 ग्राम तेल है। आप अगर कम डालना चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। पूरा नहीं डाल रही हूँ, 20 ग्राम तेल डाल रखा है, ठीक है। और इसको गर्म होने देंगे। अब जीरा डाल दिया हमने, ब्राउन होने तक हम देखेंगे कि ब्राउन हो रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जीरा ब्राउन हो गया है। और इसमें हम सबसे पहले तेज़पत्ता डालेंगे। इसको हमने धो भी रखा है, धूल उल ना रहे। थोड़ा हिला देंगे इसे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, चटकता है इसलिए इसमें तुरंत प्याज भी डाल देंगे। थोड़ा 2 मिनट तक फ्राई करेंगे इसे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें हम डालेंगे, ये लहसुन डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ब्राउन हो चुका है लगभग। अब इसमें लहसुन को ऐड करेंगे। इसको आप बारीक भी काट सकते हैं, मैंने नहीं काटा है, ऐसे भी ये गल जाता है, बाद में घुल जाता है सब्जी में, ठीक है। लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, कम ही भूनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे ताकि मीठापन रह जाए। अब हम इसमें अदरक को भी डाल दिए। हो गया। अब इसको मेथी को भी डालेंगे, खुशबू अच्छी आएगी तड़के में। थोड़ा मेथी पड़ गया, मेथी को हमने इसलिए डाला, नॉर्मली मैं डालती नहीं हूँ, जाड़े का मौसम है, ठंड बहुत है। आज दिसंबर का 16-17 तारीख हो रहा है शायद, तो मैंने डाला है ताकि थोड़ा ठंड से बच पाए, क्योंकि मूली ठंडी होती है। तो इसका अपोजिट डाल रखा है, थोड़ा मेथी गर्म होता है। इसको डालेंगे सब्जी को इसमें। सभी डाल दिया। अब इसमें हम 1 चम्मच, ये देखिए 1 चम्मच हमने डाला है हल्दी, और 1 चम्मच हल्दी डाला। और इतनी सारी सब्जी है, कम से कम 1 किलो है, तो 1.5 चम्मच मीठी सब्जी है, थोड़ी गाजर भी है, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, साल्टी हो जाएगा फिर ये। तो 1.5 चम्मच नमक डाला हमने। मिर्च हमने हरी मिर्च ऑलरेडी पहले ही डाल रखा था, इसीलिए 6-7 मिर्च को चीरा लगा के, मतलब काट के हमने फ्राई किया था, इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच डालेंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा पानी में घोल के सब्जी में डाल देंगे। इसका रेत बैठ जाए नीचे, ज़्यादा हैजल वाला खाना मैं बनाती नहीं हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए और स्वाद भी अच्छा है। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कितना अच्छा बनता है, बढ़िया एकदम मस्त। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, मिक्स वेल।
हो गया है, थोड़ा और पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, इतना मत डालिएगा कि एकदम तैरने लगे सब्जी। काफ़ी सही है, रोटी के साथ गाढ़ी गाढ़ी सब्जी खा सकते हैं, अब इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, मतलब आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा डाल रखें, थोड़ा और डाल देते हैं, चावल भी खाने हैं ना हमें। ठीक है, इतना पौन लीटर पानी डाला है। अब हम इसमें गरम मसाला एक चम्मच डालेंगे, एक चम्मच अपने कड़छी पे हमने आइडिया से डाल रखा है, ज़्यादा नहीं डालती, इतना ही सही है। अब इसको कवर करेंगे, तीन चार सीटी के बाद इसको उतार लेंगे, बाद में इस मलाई को ऐड करेंगे इसमें और फिर सर्व करेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें मलाई ऐड करेंगे, तीन चार सीटी के बाद उतारेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सीटी हटा के इसका गैस निकाल लिया और खोल लिया कुकर को, अब ये गल चुका है सब्जी सब। अब इसमें हम मलाई ऐड करेंगे, ये जो मैंने आधी कटोरी मलाई निकाल रखी थी, पाँच छः चम्मच इसको डाल दूँगी ऊपर से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको गाढ़ा करने के लिए दो एक आलू को इस तरह से हम दबा के गलाएंगे, ऐसे गाढ़ी हो जाएगी तरी और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है, आप भी अपने घर पे बनाइए, सर्व करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, सब्जी रेडी है, आप इसको रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए और हरी मिर्च के साथ खाइए, चाहे तो आप लाल मिर्च तल के भी आनंद ले सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट आल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।